सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या रियलिटी में जो मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती है लोन की, तो क्या रियलिटी में वो लोन देती है? तो दोस्तों, इसमें सबसे एक ही क्लियर जवाब देना चाहूंगा कि हाँ, देती है लोन, वो कोई दो राय नहीं है, वो देती है लोन। लेकिन किसी किसी को, सभी को नहीं मिलता उन एप्लीकेशन से लोन, किसी किसी को ही मिलता है। वो भी क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर आपका चेक किया जाता है, आपका पैन कार्ड वेरीफाई किया जाता है, आपका आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद कुछ सैलरी स्लिप भी मांगती है, या फिर दोस्तों कोई अकाउंट का आपकी स्टेटमेंट भी आपसे मांगती है। तो उसके बाद दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो डिसाइड करती है, अगर लोन देती है तो वो डिसाइड करती है कि आपको कितना लोन अमाउंट दिया जाए जो कि आप दे सकते हैं वापस। अब ये जरूरी नहीं है कि जितना आप लोन लेना चाहते उतना ही लोन आपको मिल जाए, वो एप्लीकेशन डिसाइड करेगी, वो एप्लीकेशन की जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि आपको कितना लोन दिया जाना चाहिए। अगर आपको, मान लीजिए आपने 50,000 की जरूरत थी और आपको वो कंपनी दे रही है 20,000 रुपए, आपको ऑफर दे रही है 20,000 रुपए हम लोन दे सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको लगता है, सही लगता है कि 50,000 ना लेकर आप 20,000 रुपए लेकर भी आप अपना सही से कर सकते हैं, तो 20,000 रुपए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और 20,000 आपके अकाउंट में आ जाते हैं, वो भी कुछ पैसे कटकर, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह उनका होता है, कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो कट के आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद आपकी ईएमआईज वगैरह आपको सेट कर दी जाती है, महीने की आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर वो सेट कर देती हैं, उसके बाद वो आपसे मंथली आपसे ईएमआई काटती रहती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से क्या है कि ये एप्लीकेशंस लोन देती है, देती जरूर है, लेकिन किसी किसी को। ये जरूरी नहीं है कि आप एक तरह से इन्हीं पे आस लगा के बढ़ जाएं, हाँ इससे लोन मिलेगा तो मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम कर, ये कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको मायूसी भी मिल सकती है, बाद में आप निराश भी हो सकते हैं। तो इससे अच्छा दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत अमाउंट की जरूरत है तो इधर उधर से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशन पे। आप थोड़ा सा ये ना सोचें कि एप्लीकेशन लोन देगी तभी कुछ काम होगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपको मायूसी ही मिले वहां से, हो सकता है ना मिले, या फिर क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा ना हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो दोस्तों, ये सब कुछ देखकर ही आप क्या है कि एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और काफी एप्लीकेशन ऐसी है जो सिटी टू सिटी डिपेंड करती है कि उस सिटी में लोन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, तो दोस्तों ये भी आपको डिपेंड करता है, क्योंकि मेट्रो सिटीज जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनमें ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करती है, जो छोटी छोटी सिटीज होती है, या फिर दोस्तों कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पर ये एप्लीकेशन लोन नहीं देना चाहती है, तो वो भी दोस्तों प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा देख कर आप चेक करके भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि इधर उधर से आप एडजस्ट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों बस इस पे डिपेंड ना रहे और बाकी आप इधर उधर से होता है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।